व्यूअर्स बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सबका। और आज मैं लेके आ गई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको कि आप गर्मियों में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस के पास बिल्कुल भी खड़े होने की जरूरत नहीं है। और आप रेसिपी को देख रहे हैं कि ये कितनी टेस्टी आपको दिख रही है, कितनी टेस्टी ये बनके तैयार होती है। आप इसे चाहो तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में या डिनर में। और इसके लिए आपको गैस के पास बिल्कुल भी खड़े होने की जरूरत नहीं है। आराम से आप फैन में बैठ के पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए और आप इसे फ्लेम के ऊपर बस आपको रख देना है। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बड़े प्याज ले लिए हैं, छिलके ले लिए हैं। अभी हमें इन प्याज को बिल्कुल रफली पीसेस में काटना है, जितना जल्दी जल्दी हम इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्याज को बिल्कुल रफली पीसेस में बड़े बड़े से टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया है। अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है और ये मैंने यहाँ पे चने ले लिए, काले चने, जिसे मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा था, इसे मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। और काटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी। अगर आप लहसुन की कलियाँ नहीं छिलना चाहते तो आप साबुत लहसुन को ले लीजिए और इस तरह से उसके टिप को आप काट दीजिए, क्योंकि ये जो टिप है ये चने के साथ मिक्स हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं तो ये आपके समय को बचाएगा। यहाँ पे हम साबुत लाल मिर्ची ऐड कर रहे हैं, थोड़े से तेज पत्ते ऐड कर रहे हैं, एक छोटा अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसे ग्रेट कर देंगे हम कुकर के अंदर। अब हम इसमें नमक को ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार, हल्दी ऐड करेंगे, साथ ही हम ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर। और यहाँ पे आपको कोई भी मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल सा मीट मसाला, ये जो 5 रुपए का पैकेट मिलता है, आप ये पूरा पैकेट इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करूंगी। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो पसंद करें वो ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और याद रहे कि हमें प्रेशर कुकर को फ्लेम के ऊपर रखना है, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी ज्यादा मत ऐड करिएगा, नहीं तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके सारी चीजों को मिक्स कर दिया है, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है और प्रेशर कुकर को मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है कि हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम के ऊपर ही हमें 4 से 5 सीटी आने का वेट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पानी बहुत कम ऐड किया है। और अगर हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो पानी जल जाएगा, तो आपको इसे लो फ्लेम के ऊपर ही 4 से 5 सीटी आने तक कुक करना। और आपको एक परफेक्ट कुकिंग के लिए आपको इस तरह से कुकर को शेक करना है, इसमें बड़े बड़े जो प्याज के टुकड़े वो आसानी से गल जाएंगे। तो अभी देखिए इसमें 4 से 5 सीटी आ गई, तभी मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और ये ठंडा होने के बाद से ये देखिए मैंने कुकर को यहाँ पे खोला है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कलर है और जो एरोमा है बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन के तैयार हुई है। और आप देख रहे हैं कि इसके लिए हमें कोई सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। इसका टेक्सचर देखिए, प्याज भी बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने प्याज को बड़े टुकड़ों में काटा था। तो अभी हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है, अभी हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।